Hello student, today we will study about chapter cell of class 8. The cells are known as building blocks or basic structure unit of life. जो cell होते हैं वो structure होते हैं, यानी कि जैसे ये कोई building है, ठीक है, तो इस तरीके से joint होके बिल्डिंग को बनाते हैं या किसी भी लाइफ को बनाने में सेल एक बेसिक चीज है, ठीक है। द ब्लॉक्स कैन बी ज्वाइन इन मैनी वेज। जब ये ब्लॉक आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, ये जुड़ते चले गए, ठीक है, टू मेक बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और जो बिल्डिंग है वो अलग अलग साइज और शेप में बनती जाती है। इन द सेम वे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड डिफरेंटली और डिफरेंट शेप। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट शेप, साइज एंड डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स से बने। जैसे कोई छोटा एनिमल है लाइक माउस, ठीक है, तो स्मॉल एनिमल है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू साइज सेल कम यूज होंगे, ठीक है। अब कोई बड़ा एनिमल है तो उसमें सेल्स ज़्यादा यूज होंगे। ये डिपेंड करता है कि सेल का साइज कितना है और ऑर्गेनिज्म की शेप क्या है, ठीक है। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल को किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने। व्हेन, कब किया? इन 1665 में। सेल के बारे में सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया कब? 1665 में। विथ हिज होममेड क्रूड माइक्रोस्कोप, उनके पास खुद का एक घर में माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, उससे उन्होंने पता लगाया कि सेल भी कोई चीज होती है। He examined a thin slice of cork and observed that it had comb-like structure. उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसमें देखा कि उसमें थ्रेड की तरह इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, और वो कौन की स्टेट ना इस तरीके से। He called this thick walled room like structure as cell। और जो ये इनको उन्होंने सेल कहकर पुकारा। इन 1674 विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर स्मॉल कंपोनेंट विद इन द सेल। और 1674 में, ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने न्यू माइक्रोस्कोप के साथ सेल के कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा स्टडी की और इसकी थ्योरी हमें दी। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर सेल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो सेल होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। दोज एनिमल या दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय ओनली अ सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। एंड मल्टी सेलुलर आर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड बाय मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जो एक से ज्यादा सेल से
बनते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। दीज सिंगल सेल ऑर्गेनाइज कैरी आउट ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ सच एज मूवमेंट डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक मैन, कैट एक्सेट्रा। वेरिएशन इन सेल्स, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक इज वेरिएशन इन सेल्स। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। सबके साइज शेप अलग है। आप ह्यूमन बींग में भी इवन देखोगे ना, तो कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो सबके ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देयर ऑर्गेनिज्म आल्सो वेरी इन शेप। द फ्लो चार्ट बिलो शो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि किस चीज से क्या होता है। सेल डिस्कवर हो गया। सेल से क्या बनते हैं हमारे टिश्यू से ऑर्गेन, एंड ऑर्गन में ऑर्गेन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले सेल बिल्ड होता है, सेल का निर्माण होता है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड जब ये सारे ऑर्गन्स को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर फॉर्म टिश्यूज विच इज टर्न फ्रॉम ऑर्गन स्पेशलाइज्ड इन अ स्पेशल फंक्शन। एग्जाम्पल्स मसल सेल, रेड ब्लड सेल, स्किन सेल, नर्व सेल। अब कई तरीके के सेल होते हैं। ठीक है, मसल सेल्स, रेड ब्लड सेल, स्किन सेल, नर्व सेल। शेप, सेल में बी अ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो सेल है वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। जैसे जो मसल सेल्स है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, और जो रेड ब्लड सेल है वो इस टाइप से होते हैं। सम सेल्स आर राउंड और ओवल। कुछ राउंड होते हैं, कुछ ओवल शेप के होते हैं। सम आर क्यूबिडिकल, सिलेंड्रिकल, कुछ सिलेंडर की शेप में होते हैं। कुछ सेल स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल्स मीन्स इस तरीके की शेप। व्हाइल सम आर इररेगुलर शेप। कुछ सेल्स के तो शेप आप बता नहीं सकते किस टाइप से होते हैं। कहीं से राउंड में होंगे, कहीं से लंबे होंगे, कहीं से थ्रेड की फॉर्म में होंगे। नर्व सेल्स आर लॉन्ग व्हाइल मसल सेल्स आर निडल लाइक। जो नर्व सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, और जो मसल सेल्स होते हैं वो एक सुई की तरह होते हैं। गार्ड सेल्स आर बीन शेप एंड आर अपोजिट टू ईच अदर। जो गार्ड सेल होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल हैज इरेगुलर शेप। जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, एक सेल से जो बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ठीक है, कीप ऑन चेंजिंग विद द एक्टिविटी ऑफ एनिमल। जैसे जैसे एनिमल एक्टिविटी करता है उसके अकॉर्डिंग वो शेप चेंज कर देते हैं। अमीबा चेंज इट्स शेप विद द हेल्प ऑफ पिस्यूडोपिया। पिस्यूडोपिया मीन्स हाइडिंग फीट। उसके फीट हमें नजर नहीं आते। जिस तरीके से वो मूव करता है ना,
तो उस मूवमेंट के जैसे उसकी बॉडी भी चेंज होती रहती है. द नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल. ठीक है, अब सेल का साइज क्या होता है? सेल साइज 1/10 to 100 मिलीमीटर. ठीक है, जब आप किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप से देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे, वो हमें वैसे तो दिखाई नहीं देंगे. जो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और एनिमल एंड प्लांट दोनों के सेल अलग अलग होते हैं. ठीक है, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट हेल्प इज गेटिंग एनलार्ज इमेज ऑफ वेरी स्मॉल. जो माइक्रोस्कोप होता है ना, वो क्या करता है? उसका काम होता है कि जो छोटी से छोटी चीज होती है उसको लार्ज करके हमें दिखाता है. इसलिए सेल को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. वैसे हम देखना चाहें तो हमें नहीं दिखेगा कुछ भी. अगर हम किसी की स्किन या कोई इवन लीफ या बार्क ऑफ ट्री को माइक्रोस्कोप में रख कर देखेंगे तो हमें सेल दिखाई देगी, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करेगा, उनको लार्ज करके दिखा देगा. ठीक है, माइक्रोस्कोप इस टाइप से होते हैं. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. ऑल द प्लांट एंड एनिमल सेल हैव थ्री मेन पार्ट. जो प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल है, उसमें तीन मेन पार्ट होते हैं, सेल वॉल इन प्लांट और सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल. सेल वॉल होती है प्लांट और एनिमल में होती है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सेल वॉल, दिस इज द मोस्ट रिगिड प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग फाउंड इन प्लांट सेल ओनली. जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट में पाई जाती है. ये आउटर पार्ट है प्लांट का जो प्रोटेक्ट करता है सेल को. इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. किससे बना है ये? सेलुलोज. इट प्रोवाइड शेप एंड रिगिडिटी टू द प्लांट सेल. और ये क्या देता है? प्लांट को शेप प्रोवाइड करता है कि किस तरीके का प्लांट होगा. ठीक है, इट नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. डोंट बी कंफ्यूज, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेम. कहीं पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड मिलेगा, कहीं आपको सेल मेम्ब्रेन वर्ड मिलेगा, तो डोंट बी कंफ्यूज, सेम चीज के लिए यूज हो रहा है. इट इज अ वेरी थिन लेयर कवरिंग द सेल. ये जो सेल होता है ना, ये बहुत एक पतली सी परत होती है. ठीक है, जो सेल को कवर करके रखती है. दे आर वेरी टाइनी होल्स. इसके अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन. The cell membrane of the plasma membrane perform the following function. अब cell membrane का काम क्या होता है, क्या काम करती है वो, उसकी जरूरत क्या है? It protect the cell. First work is cell membrane क्या करती है? Protect करती है. Protection. Protection.
प्रोवाइड करती है किसको, सेल को, ठीक है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। द सेकेंड वर्क इज गिविंग शेप। शेप किसको प्रोवाइड करती है, सेल को। इट अलाउ मटेरियल टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टाइनी होल्स। और जो इसके अंदर टाइनी होल्स होते हैं उससे इसके अंदर मटेरियल एंटर कर सकता है। साइटोप्लास्ट प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड फिल विद जेली लाइक सब्सटेंस। अभी हमारा सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस है, जो यहाँ पे ये जेली लाइक सब्सटेंस होगा ना, सब्सटेंस एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने आपको बताया, ये दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, विच परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शन, जो बहुत सारे फंक्शन करता है। न्यूक्लियस, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, व्हाट इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, और सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड लास्टली ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस, दिस इज अ डेंस बॉडी फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये एक डेंस बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, और जो ये है ना, ये इसका क्या फंक्शन है, कंट्रोल करते हैं, controls all activity of cell. And nucleus is made up of the following part. अब nucleus के भी बहुत सारे part होते हैं. Nuclear membrane. It is porous membranes which separate content of the nucleus from cytoplasm. ये जो nucleus membrane है ना, ये इससे cytoplasm से इसको अलग करती है, ठीक है। अब nucleoplasm, द फ्लड प्रेजेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट। अब इसके अंदर भी कुछ है सब्सटेंस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। न्यूक्लियस स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन आर एन ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब इसके अंदर न्यूट्रल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो आरएनए, जिसमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी आरएनए होते क्या हैं। क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। अब इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन के टाइम बेबी में कैरेक्टर जाते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर, ठीक है, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है।
सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, दीज कैरी जीन्स, जीन्स को लेके जाते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, जैसे मदर और फादर के जीन्स ये जो जाते हैं उनके बेबी में. द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक प्रोटोप्लाज्म एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल. और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं जो एक लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल है. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा. सेल ऑर्गेनल्स, दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. साइटोप्लाज्म इज कंपोज ऑफ मैनी लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स विच आर कंसर्न विद सेल फंक्शन. जो सेल को फंक्शन करने में मदद करता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर ओवल और रोड शेप ऑर्गेनल्स. इट इज कॉमनली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर देता है सेल को वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए. बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड टेक प्लेस हियर. और जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. जो हम फूड लेते हैं उससे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी में चेंज कर देते हैं, उससे ये सेल को एनर्जी देते हैं, तभी सेल वर्क, सेल की वजह से हम जो एनर्जी मिलती है उससे हम वर्क करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट सिंथेसाइजेस स्टोर द ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद द सेल. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है, प्लांट्स में जब सिंथेसिस प्रोसेस होता है इससे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है. प्लास्टिड्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर. प्लास्टिड अलग अलग कलर के होते हैं. ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. देखो हम प्लास्टिड को वो भी कह सकते हैं जिससे भी किसी चीज को कलर मिलता है. ठीक है, तो अगर ग्रीन कलर का प्लास्टिज्म है तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, प्लांट में. ह्यूमन बॉडी और एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. अगर हम में भी क्लोरोप्लास्ट होगा तो हम भी ग्रीन कलर के दिखाई देंगे. दैट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल का यूज होता है जो ग्रीन पिगमेंट है, जिसके क्लोरोफिल होने की वजह से प्लांट अपना खाना बनाते हैं. दिस इज ओनली हैविंग इन प्लांट. प्लांट के पास ही क्लोरोफिल होती है. क्लोरोप्लास्ट प्लांट के पास ही होता है. क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होता. गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोटीन एंड हार्मोन. जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये एंजाइम प्रोटीन और हार्मोन्स को रखता है अपने पास. लाइसोसोम ऑल सेल्स कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द वेरियस मटेरियल. दे आर आल्सो कॉल्ड सुसिडल बैग्स एज दे हेल्प टू किल ओल्ड सेल्स. प्लांट सेल्स डू नॉट हैव लाइसोसोम. जो लाइसोसोम वो प्लांट के पास नहीं होता. एनिमल हैव लाइसोसोम. ठीक है, तो लाइसोसोम एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी में होता है जो ओल्ड सेल्स को किल करने का काम करता है, यानी उनको मारता है, उनको रिमूव करता है. और
राइबोसोम्स, इट इज द साइड ऑफ प्रोटीन सेल सिंथेसिस. राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. सेंट्रोसोम, इट इज रेगुलेट सेल डिवीजन. और ये क्या करते हैं, सेंट्रोसोम सेल को डिवाइड करते रहते हैं, एक सेल से दूसरा सेल प्रोड्यूस होता है, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से चेन चलती रहती है. वैक्यूल्स, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक मतलब एक बोरी की तरह बने होते हैं वैक्यूल, ठीक है. और ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं. वाटर एंड वेस्ट इन प्लांट, दे आर लार्ज इन साइज वाइल इन एनिमल दे आर स्मॉल और एब्सेंट. देखो प्लांट में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, सेल के अंदर ही पार्ट्स होते हैं सब, जो मैं आपको बता रही हूँ, वैक्यूल्स, मिथोकॉन्ड्रिया, ठीक है. अब ये डिपेंड है कि वो ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है. कोई चीज ऐसी होती है जो एनिमल सेल में होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्लांट सेल में होती है. जैसे वैक्यूल है, ये प्लांट सेल में ही होता है मोस्टली, ये अपने फूड को स्टोर करके रखता है. मगर या तो ये एनिमल में होगा तो छोटा मोटा होगा, स्मॉल होगा, या होगा ही नहीं. तो आपका एक क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है. और एक क्वेश्चन आता है, आपको ड्रॉ करना आ सकता है, ड्रॉ प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है. आपको इनके पार्ट भी डिफाइन करने आ सकते हैं. कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. अब एनिमल और प्लांट सेल के बारे में कंपैरिजन करेंगे कि प्लांट सेल में क्या होता है और एनिमल सेल में क्या होता है. अधिकृत सेल वॉल इज प्रेजेंट. जो प्लांट सेल उसमें सेल वॉल होती है. प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंट प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट, पहला अंतर यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. सेकेंड इज, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ऑन अनदर वे, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इज एब्सेंट इन एनिमल. क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट होगा ना, तो अगर हमारे में भी होगा क्लोरोप्लास्ट, तो हम भी हरे हरे दिखेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल ऑब्टेन होता है. और क्लोरोफिल प्लांट में इसलिए होता है क्योंकि उनके लिए नेसेसरी है और वो सिंथेसिस के ड्यूरिंग उनको चाहिए और मेकिंग फूड. लार्ज वैक्यूल्स, अब प्लांट सेल में क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है. मैंने आपको भी बताया था सैक टाइप स्ट्रक्चर. मगर एनिमल में वैक्यूल्स हो सकते हैं, स्मॉल होते हैं या होंगे भी. सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट. सेंट्रोसोम प्लांट में नहीं होते और एनिमल में सेंट्रोसोम्स होते हैं. नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट. लाइसोसोम जो
प्लांट में नहीं होते और लाइसोसोम एनिमल में होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लाइसोसोम मैंने आपको अभी बताया था कि ओल्ड सेल को रिमूव किया जाता है और नए सेल बिल्ड होते हैं, मगर प्लांट में नहीं होता ये। और सेंट्रोसोम भी प्लांट में नहीं होता, जिसकी वजह से सेल डिवाइडेड हो, मगर एनिमल में होता है। द नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी। प्लांट के टिश्यू अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं अलग अलग? क्योंकि कुछ प्लांट हमारे बुशेज होते हैं, कुछ ट्री होते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं, कुछ क्रीपर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट के टिश्यू अलग अलग तरीके के होते हैं। अब नेक्स्ट इज एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज एनिमल आल्सो हैव वेरियस काइंड ऑफ टिश्यू। एनिमल में भी अलग अलग तरीके के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, नर्व्स टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ब्लड इज फ्लड ऑफ फ्लड वेस्कुलर टिश्यू। देखो प्लांट में तो ब्लड होता नहीं, तो ब्लड टिश्यू प्लांट में नहीं होगी, और एनिमल में होता है, तो ब्लड टिश्यू एनिमल्स में होंगे। डिविजन ऑफ अ सेल एंड इट्स ग्रोथ। प्लांट एंड ह्यूमन बींग स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। जो भी कोई चीज नहीं बनती है ना, तो एक वो सिंगल सेल से डेवलप करती है, फिर और सेल ज्वाइन होते हैं, तो सेल बन के आपस में ज्वाइन होकर वो टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, द सिंगल सेल प्रोड्यूस बिलियन ऑफ सेल, बिलियंस करोड़ों अरबों सेल बन जाते हैं। उसके बाद एक सीड ग्रो होता है, फिर उससे छोटा प्लांट होता है, फिर बिग प्लांट बनता है। पहले बेबी होता है, छोटा बेबी होता है, स्मॉल बेबी, फिर वो धीरे 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 ग्रो करते हैं, उसके सेल ग्रोथ होते हैं। ठीक है, अ सेल ग्रोन्स एंड देन डिवाइड्स इनटू टू, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। जब सेल बड़ा होता है तो वो दो सेल्स में डिवाइड होता है। जब जैसे ये सेल हमारा बड़ा हुआ, तो फिर ये ऐसे टू सेल्स में बीच में से डिवाइड होगा, फिर ये टू सेल्स बन जाएंगे। इसे बोलते हैं सेल डिवीजन। द सेल्स रिजर्व रस्लिंग फ्रॉम द सेल डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल। जब पेरेंट सेल से डिवीजन होने के बाद और सेल बनते हैं, उसको बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल ग्रो टू द मेच्योरिटी एंड डिवाइड अगेन। अब डॉटर सेल भी ग्रो होता है, फिर वो पेरेंट सेल बनता है, फिर वो ग्रो होने के बाद फिर और डॉटर सेल का इन्वेंशन करता है। इसी तरह ये प्रोड्यूस होते चले जाते हैं, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल, डॉटर सेल विल बिकम पेरेंट सेल, एंड अगेन दिस प्रोसेस इज हैपन। तो ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। बट नर्व सेल डू नॉट डिवाइड आफ्टर सर्टेन एज। जो एक नर्व सेल है वो एक एज के बाद रुक जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते। स्किन सेल कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। और स्किन सेल हमेशा चलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तभी आप देखोगे एक स्मॉल बेबी की स्किन देखो, फिर वो थोड़ा यंग होता है, उसकी स्किन देखो, ऐसे जैसे जैसे ओल्ड होते हैं तो रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। तो स्किन सेल ग्रो करते रहते, मगर नर्व सेल एक एज के बाद ग्रो करना बंद करते थे, और नर्व सेल की वजह से ही ग्रोथ होती है। पैराक्रोटिक एंड यूरोक्रोटिक सेल्स। द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट डिफर इन स्ट्रक्चर। जो प्लांट है और एनिमल है, उनका न्यूक्लियस अलग अलग होता है, ठीक है, दोनों का न्यूक्लियस अलग है।
The nucleus of bacteria is not well organized and there is no nuclear membrane. जो bacteria है उसका structure पता नहीं है ना उसकी nuclear membrane होती है. Whereas is the cell of animal and plant, nucleus is well defined with nuclear membrane. और animal और plant की nuclear membrane, nucleus defined होता है. Prokaryotes means primitive nucleus. These cells are the of bacteria and blue green algae. जो prokaryotic होते हैं वो एल्गी और बैक्टीरिया के लिए यूज किया गया है क्योंकि उसकी शेप साइज स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता. और यूरोकाइट्स मीन्स दीज सेल्स आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. जो यूरोकाइट्स होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. उसकी एक शेप होती है, न्यूक्लियस होता है. तो ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसीलिए वो यूरोकाइट्स होते हैं. और ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया की कंफर्म शेप नहीं होती. ठीक है, नाउ वी स्टॉप हियर. आवर सेल चैप्टर इज फिनिश. आई होप आप सबको पसंद आया होगा. ठीक है, और आपको सबको समझ आ गया होगा. सो इसी के साथ यही हम वीडियो स्टॉप करते हैं. मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें फॉर माय न्यू अपडेट. थैंक यू वेरी मच.